वेल हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क गेमिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आर्क सर्वाइवल के एक और एपिसोड में। सो मैं एक और केव के पास आ चुका हूँ। ये केव यहाँ पे है, दोनों केव पास में ही है, स्नो केव्स। जितने भी लोग पिछले वाले एपिसोड देखे होंगे उन लोगों को पता होगा हम पिछले एपिसोड में आर्टिफैक्ट ऑफ द स्काई लॉर्ड कलेक्ट किए थे, हमें बहुत ज़्यादा लूट मिले थे उसमें। मैं अराउंड 11 टू 12 बार अंदर जाके आ चुका हूँ आर्टिफैक्ट कलेक्ट करके। तो हम यटी केव में आ चुके हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक्सप्लोरेशन नहीं किए हैं और इस केव को हम हमारे स्पाइडर की मदद से एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। मैं स्पाइडर को भी लेके आ चुका हूँ। हम सबसे पहले केव एक्सप्लोरेशन किए थे ना, तब स्पाइडर को टेम किए थे और यहाँ पे छोटा सा बेस सेटअप किया हूँ। अरे कुछ नहीं दिखा रहा, ओके ठीक है। तो ये रहा हमारा स्पाइडर, 230 लेवल का हो चुका है, थोड़ी बहुत इसका लेवल अप करा चुका हूँ। सो लेट्स गो बॉयस, तो चलते आर्टिफैक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी ये रहते हैं ना क्रिएचर्स, वो सभी हाई लेवल का रहता है आर्टिफैक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग कलेक्ट करने के में। इसका रास्ता भी बहुत ही सिंपल है, बट बहुत दूर जाना पड़ता है, वो भी सेफ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, आपके पास फर के कपड़े नहीं हो तो आप आधे रास्ते में ही मर सकते हो। यहाँ पे दो रास्ते हैं, आप किधर भी जाओ एक ही जगह पे आते हो घूम के। सो ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है आपको, आप जैसे भी आते हो यहीं पे आते हो। ये देखो दोनों रास्ते यहीं पे कनेक्टेड है। अरे ये क्या हुआ, ओके यहाँ पे एक एटी है, ये दिखने में और साइज में सेम है। मैं तो पिछले होते हैं ना उस तरह, पर इसका हेल्थ और मेली डैमेज ज़्यादा रहता है। ये देखो 175 लेवल का, 5.6 का के का हेल्थ है इसका एटी। ये सिर्फ और सिर्फ स्नो में ही मिलता है, मतलब इस केव में ही मिलता है, स्नो केव में, और इसको आप टेम नहीं कर सकते। ओके यहाँ पे बैट्स है, और बैट को आप टेम कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम बैट को टेम नहीं करें। और इसके अंदर आप पानी में नहीं जा सकते, मतलब पानी के अंदर आप गए तो आपका हेल्थ कम हो सकता है। ये देखो सभी हाई लेवल का है, 225 लेवल का बैट है। अरे क्या लैग हुआ भाई, ये तो बहुत ही गंदा लैग है। तो कोई बात नहीं, चलो लैग ठीक हो चुका है। और आप इसके अंदर गलती से भी पानी के अंदर मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे पानी के अंदर फिरानास भी रहता है और आपको हेल्थ भी कम होता जाएगा, डैमेज होगा आप जैसे ही कोल्ड वाटर के अंदर जाते हो। और यहाँ पे वुल्फ है, और आप स्पाइडर को लेके आते हो ना, आपको कोई भी ये नहीं रहता है। अरे ये क्या हुआ, ओके ये देखो सभी हाई लेवल का वुल्फ है। आप टेम करना चाहते हो तो इस केव के अंदर आके वुल्फ को टेम कर सकते हो, एक मस्त पैक बन जाएगा आपका। सभी उनका 200 प्लस लेवल हो सकता है आपका, यहाँ पे आके टेम किया था। और यहाँ पे हर जगह पे एटी मिलता है यहाँ पे, इसलिए इस केव को एटी केव बोलते हैं। ओके हमें उस तरफ जाना है। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मुझे एक प्राइवेट सर्वर बनाओ और स्ट्रीम करो। ये देखो जैसे ही मैं पानी के अंदर गया मेरा हेल्थ धीरे धीरे से घट रहा है। अरे ऊपर चढ़ जा, ओके फिलहाल के लिए मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वाईफाई नहीं है, जियो का डाटा है और हर जगह पे जियो का डाटा अच्छा नहीं आता, इसलिए मेरे घर के पास जियो का हाई स्पीड है अराउंड 1 MB/s, वही हाई है। सो इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम करने का रिस्क नहीं लेता हूँ। और वही बात, प्राइवेट सर्वर खरीदने के लिए आपको पैसे लगता है, $99.99 अराउंड इंडियन करेंसी में, कितना हुआ अराउंड 1500 तक ये रहता है। 1500 आपको पर मंथ पे करना पड़ता है, इसमें पर मंथ और 6 months और 1 year तक इस तरह का प्लान्स रहता है प्राइवेट सर्वर खरीदने के लिए। फिलहाल के लिए कोई प्राइवेट सर्वर नहीं चाहिए,
आगे देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। अब आप बोलोगे कि स्पाइडर को छोड़ के आप कोई भी केव क्रिएचर टेम नहीं किया है। हाँ, फिलहाल के लिए मैं कोई केव क्रिएचर टेम करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि उसका एक अलग ही एपिसोड बनाऊंगा ताकि सभी केव क्रिएचर्स एक ही एपिसोड में आ जाए, मतलब सभी केव क्रिएचर्स को एक ही एपिसोड में टेम करेंगे, तो उस तरह का प्लानिंग है। इसलिए मैं कोई केव क्रिएचर को टेम नहीं कर रहा, और इस केव को भी मैं मिनिमम 6 to 7 टाइम्स तो मैं ये करने वाला हूँ, एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और सभी एक्सप्लोरर नोट तो कलेक्ट हो जाएगा और हमारा लेवलअप भी हो जाएगा आसानी से। इस तरह मेरा जल्द से जल्द लेवलअप कर रहा हूँ ताकि हमें आगे आने वाले एपिसोड में ग्रिफिन को टेम करा सके। इसलिए सदरन की तो मैं 2 ही बार एक्सप्लोर किया था, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे लूट्स नहीं मिलते, सिर्फ आपको पिकैक्स और एक्स का ब्लूप्रिंट मिलता है और हाइड कपड़े का ब्लूप्रिंट मिलता है। इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हूँ उस केव को, मतलब 2 ही बार अंदर जाके आर्टिफैक्ट लेके आया हूँ। आपको अच्छी अच्छी ब्लूप्रिंट्स चाहिए हो तो आर्टिफैक्ट ऑफ द स्काईलॉर्ड को ट्रिब्यूट करो, और आर्टिफैक्ट ऑफ द स्ट्रांग और आर्टिफैक्ट ऑफ द इम्यून को ये करो, ट्रिब्यूट करो, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी लूट मिलने का चांसेस रहता है। आपको एक अच्छा खासा कैटिन का आर्मर चाहिए हो तो आप मैप के सेंटर में एक केव है ना, उसको एक्सप्लोर करो, वहाँ पे आपको ट्रिब्यूट करने के बाद आपको कैटिन का ये मिलता है, सूट्स ब्लूप्रिंट मिलता है। आई थिंक मेरा आधा हेल्थ तो चला गया है आई थिंक, क्योंकि इतने बार हम पानी के अंदर जाके आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है पानी के अंदर गए तो। अब फिलहाल के लिए मेरे पास पर के कपड़े हैं, इसलिए थोड़ा कम डैमेज कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो। और एडी क्यू को एक्सप्लोर करना बहुत ही आसान है, सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको सीधा अंदर जाते रहना है, आसानी से आपको रास्ता मिल जाएगा। पर अंदर जाते ही आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, क्योंकि 3-4 रास्ते आ जाएंगे, पर आपको लेफ़्ट लेना है, सभी जगह पे आपको लेफ़्ट लेना है और आसानी से आप पहुंच जाओगे। इसके ऊपर मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा आपको। आपका पास जितने भी हाई लेवल का जानवर है, अराउंड 300 प्लस लेवल का जानवर, उस तरह का जानवर आप अंदर लेके आ सकते हो, जैसे कि साइबर टूथ, वुल्फ, उस तरह का छोटे छोटे जानवर ही आप अंदर लेके जा सकते हो यहाँ पे। इसलिए आप स्पाइडर लेके आए तो बहुत ही सेफ़ है आपको। और उसके साथ ही एक आपको रास्ता पता होना चाहिए इसमें। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है रास्ता। यहाँ पे पूरा रास्ता एक ही डायरेक्शन में है, आर्टिफैक्ट तक एक ही डायरेक्शन में, और उसके आगे रास्ता नहीं है, सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन में जाते रहना चाहिए। बस इसमें आपको दो दो रास्ते नज़र आएंगे, या उन दोनों रास्ता का एंड जो रहता है वो एक ही पॉइंट पे रहता है। ये थोड़ा इल्यूजन जैसा है केव, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे उल्फ का भीड़ लग चुका है, अरे लग चुका, ओके कुछ नहीं किया। ए बार बार ये हिट बटन दबा देता है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे मुझे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, सो लेट्स सी, अरे घूम जा, हम यहाँ से ही शूट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास कोई अच्छा शॉटगन और बाकी सब कुछ नहीं है हमारे पास। ओके लेट्स शूट देम, अरे भाई साहब, अरे ये शूट नहीं क्यों रहा, तो चलो 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 इसको यहीं पे ये कर देते हैं। अरे इनका बूस्ट आ जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देते हैं हम लोग। सो निकलो 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 यहाँ से, क्योंकि हमारा स्पाइडर का मेली डैमेज भी ज़्यादा नहीं है और ये नहीं लड़ सकता इनसे। सो चलो चलो निकलो निकलो, इन्ना पानी के अंदर चले जाता हूँ। खे बहुत ज़्यादा सेबोट सालमोन है अंदर, सो सभी आ चुके हैं, सभी उल्फ पानी के अंदर है। सो चलो सबसे पहले यहाँ से निकलता है ऊपर, चलो ऊपर चलो, अरे चढ़ जाओ ऊपर, बहुत ज़्यादा हेल्थ जा चुका है हमारा। फरका कपड़ा है इसलिए थोड़ा बचा हूँ, सो चलो। और मैं ये कह रहा था कि दो दो डायरेक्शन में रास्ता रहता है ना, वो सभी एक ही डायरेक्शन में रहता है, मतलब एक ही पॉइंट में मीट होता है एंड में। आप जहाँ से भी जाओ आप एक ही पॉइंट में मिलते हो। हाँ जैसे कि ये नीचे जाके बताऊँगा,
ओके इसके पास खाना है, चलो। और इसका आधा हेल्थ तो जा चुका है, तो कोई बात नहीं, चलो हम पहुँच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी को भी हंट करके मैं नहीं खा सकता, क्योंकि स्पाइडर का मुझे डैमेज उतना नहीं है। और ये देखो ऊपर एक रास्ता जा रहा है, और यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, और राइट में भी एक रास्ता है। वो तीनों पॉइंट एक ही जगह पे मिलता है, पर आप लेफ़्ट में देखे आना, वो रास्ता थोड़ा ऊपर जाता है बस। ये दोनों रास्ता यहीं पे मिलता है। ये देखो मेरा राइट में वही रास्ता आ चुका है, और हम सीधा स्ट्रेट में जाएंगे। आप ऊपर जाए तो मेरा ऊपर से आप निकलोगे, बस इतना ही डिफरेंस है। कंफ्यूजिंग बनाने के लिए ये एडे टेढ़े रास्ता बना दिया है इन लोगों ने। बस ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, एकदम स्ट्रेट चलता है ये। ओके फिर से लैग हुआ, कोई बात नहीं। सो चलो हमारे पास ये एक्स है स्टोन का, इससे ही तोड़ देते हैं इसको। आपको क्रिस्टल चाहिए हो तो आइस केव में आओ, बहुत ही भर भर के आपको क्रिस्टल मिल सकते हैं यहाँ पे। पहाड़ पे ढूंढते हो ना, वो सभी छोड़ो, केव के अंदर आओ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल्स मिलने का चांसेस रहता है आपको। चांसेस क्या 100% आपको केव के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल्स मिलता है, इसको तोड़ भी नहीं सकते। तो चलो कोई बात नहीं, इसका रिलोड कर देते हैं और इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक्विप कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और इसका भी टूटने का चांसेस है, कोई बात नहीं। एक टूट जाए ये क्रिस्टल, आगे आने वाले क्रिस्टल। बस यहाँ पे दो ही क्रिस्टल्स को तोड़ने हैं हमें, वो सामने फर्स्ट आए थे ना वहाँ पे एक क्रिस्टल तोड़े हैं, और यहाँ पे एक क्रिस्टल। अब ये देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा राइट में एक रास्ता है और लेफ्ट में एक रास्ता है, और राइट में वो रास्ता नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो इल्यूजन है जस्ट रास्ते जैसा, और बस आपको सीधा चलते जाना है लेफ्ट में। आप जैसे ही वो सेकंड क्रिस्टल्स तोड़ते हो ना, सिर्फ आपको लेफ्ट में जाना है, बस आपको एक ही डायरेक्शन में लेफ्ट। मुझे लगता है कि मैं एक बार इसको स्पीड रन करना चाहता हूँ, एक बार करके देखना पड़ेगा मैं पार कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि एक बार किया था मैंने स्पीड रन। ओके वी आर एट द आर्टिफैक्ट वॉच, ये देखो सीधा आप लेफ्ट में आया और सीधा आर्टिफैक्ट के पास आ गए। ये देखो एक ही रास्ता है, सीधा हम आर्टिफैक्ट के पास आ चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट आना है, मतलब जो भी रास्ते में आए वो सही है। सो हम सीधे आर्टिफैक्ट के पास आ चुके हैं, और हमारा आधा हेल्थ जो चला चुका है। हम सीधे आर्टिफैक्ट के पास आ चुके हैं, और हमारा आधा हेल्थ तो चला गया है, और कोई बात नहीं। वहाँ पे एक ये है पैट, उसको मारना पड़ेगा, जैसे ही मैं उतरता हूँ वो मेरे पास आ जाएगा, इसलिए लेट्स ट्राई टू हिट हिम विद माय क्रॉसबो। लेट्स ट्राई, लगेगा क्या वहाँ पे? ओके लग सकता है, लेट्स शूट। ओके लगा, ओके 1.4K का हेल्थ है इसका, कोई बात नहीं, चलो मारते हैं। शॉर्ट कॉम्बैट में स्वॉर्ड एकदम ज़बरदस्त है। आजा भाई सामने आजा। ओके दो ही शॉट में गया, नाइस बॉयस। तो चलो उतरते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक्सप्लोरर नोट भी है, नाइस। ओके जीटी का एक्सप्लोरर नोट है, और ये स्क्वाड में रहता है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो चलो आर्टिफैक्ट लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये देखो मेरा आधा हेल्थ तो चला चुका है, 60% हेल्थ गया है। ओके आर्टिफैक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मिल चुका है हमें, और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप, और बहुत लोग पूछ रहे थे कि ऑटर आर्टिफैक्ट नहीं ले रहा है हमारा, वो सिर्फ़ और सिर्फ पीसी के अंदर है। ऑटर आर्टिफैक्ट सिर्फ पीसी के अंदर ही ले सकता है, और मोबाइल के अंदर आर्टिफैक्ट नहीं लेता है, मतलब नहीं उठाता है ऑटर, क्योंकि पीसी के अंदर ट्रिब्यूट करना कुछ नहीं रहता है, सिर्फ आप डायरेक्टली जा सकते हैं और आर्टिफैक्ट लेके आ सकते हैं, उसको कहीं पे भी आप ऑब्सीडियन का ये बना के कहीं पे भी रख सकते हैं उसको, और उसको उठा के आप अल्फा और बीटा गामा उनसे भी लड़ सकते हैं, मतलब बॉस फाइट भी कर सकते हैं।
बट फ़ोन के अंदर इस तरह नहीं है यार, के मोबाइल के अंदर इस तरह नहीं है। ओके ये क्या है, तो चलो निकलते हैं। एआर के अंदर, सॉरी एआर के मोबाइल के अंदर आप आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिब्यूट कर सकते हैं और शो के लिए लगा सकते हैं, बस उतना ही काम है आर्टिफैक्ट का। आप आर्टिफैक्ट लेके बॉस फाइट में नहीं जा सकते अपने डेनोस के साथ, आपको अकेले जाना पड़ेगा। डंजन्स के थ्रू आप बॉस फाइट कर सकते हैं। वही एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा एआर के का मोबाइल, एआर के मोबाइल का आप डेनोस को डंजन्स के अंदर नहीं ले जा सकते भाई। एक बार डंजन्स के अंदर हमारे डेनो को लेके गया ना भाई, ख़त्म, पूरा डेनोस को ख़त्म करके ही बाहर आएंगे हम। बट वी कॉन्ट टेक अवर डेनोस इन डंजन्स, कोई बात नहीं। इसका स्टैमिना भी नीचे जा चुका है, कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे से चलते जाएंगे, इसका स्टैमिना भी गेन हो जाएगा, रिगेन हो जाएगा। ये देखो जैसे कि मैंने बताया था दो रास्ते रहते हैं, वो सभी रास्ते एक ही जगह पे पॉइंट होता है, मतलब एंड एक ही जगह पे होता है। बस एक रास्ता थोड़ा दूर रहता है, मतलब थोड़ा मुश्किल रहता है, और एक रास्ता थोड़ा शॉर्ट और आसान रहता है, इस तरह रहता है। यहाँ पे सिर्फ इल्यूजन है। आप स्टार्टिंग केव के अंदर आते हो ना, तब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। आप बाहर जाते हो ना, जैसे ही आपको पूरा क्लियर सा पता होगा कि कहाँ कहाँ से आप आए थे और कैसे आपको वापस जाना है। ओके इसका स्टेमिना चला गया, तो चलो इसका स्टेमिना रिगेन होने तक यहीं पे रुकते हैं और धीरे धीरे से चलते हैं। इसके में आप सोलो रन भी कर सकते हो, सिर्फ आपके पास असेंडेंट वेपन्स होना चाहिए और आप आपका मोमेंटम स्पीड ज़्यादा रहना चाहिए और आपको थोड़ा स्किल्स रहना चाहिए, जैसे कि ग्रैबलिंग हुक कैसे यूज़ करना है उसका थोड़ा स्किल्स रहना चाहिए। आप आसानी से इस क्यू को पार कर सकते हो। वही चीज़ मैं ऑफलाइन में करने वाला हूँ, मर भी सकता हूँ, आई डोंट नो, बट एक बार तो ट्राई करना होगा। हम ऑलरेडी स्नो क्यू स्नो बायोम के अंदर दो बेस क्रिएट कर चुके हैं। ये दोनों बेस बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि दोनों केव के पास ही है और एक बेस तो केव के बाहर है, एक केव के अंदर है। बट केव के अंदर जो केव है, एटी केव में जो बेस है, उसमें सभी क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं, पता नहीं क्यों बट बाहर आ जाते हैं। और वही बात स्काई लॉर्ड केव है ना, वहाँ पे बेस मेरा छोटा है और मुझे यही डर है कि यहाँ पे मर वर न जाऊँ मैं, क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए मैं ऑफलाइन में एक अच्छी जगह ढूंढूंगा और एक मस्त आइस स्नो केव में एक बेस बनाऊंगा, एक प्रॉपर बेस। वही बेस पे हमारा सभी डेनोस को शिफ्ट करेंगे, स्नो में जितने भी डेनोस पकड़े हैं। आई थिंक डेरुल्फी, सिर्फ हम डेरुल्फी टेम किए हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड में लेट सी कौन सा स्नो क्रिएचर हम टेम करेंगे। हम सभी स्नो क्रिएचर को टेम करने के बाद हम मिडल ऑफ द मैप है ना, वहाँ पे एक केव है, वहाँ पे जाएंगे। ओके आई डोंट नो, आई विल डाई आई थिंक। सो रिस्क लाइन लेना चाहता इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा हेल्थ तो रिगेन हो जाए मेरा, क्योंकि वैसे ही हम बहुत ही कम मिलते हैं। ये देखो सिर्फ 20% है हेल्थ मेरा, खाना तो खा रहा हूँ पर मेरा हेल्थ तो इंक्रीज नहीं हो रहा। और हमारे स्पाइडर के पास भी खाना नहीं है और इसका भी खाना ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर एक बार मैं पानी के अंदर जाके मर गया ना, ये स्पाइडर भी मेरे साथ ही मर जाएगा, इसलिए। सो लेट्स गो बॉयज, ज़्यादा देर नहीं करते, थोड़ा हेल्थ तो रिकवर हो चुका है, तो चलो यही था लास्ट जो पानी क्रॉस करना था। सो अब कोई पानी नहीं आएगा, तो चलो चलते हैं हम सीधा ऊपर जाते, एक एंट्रेंस में आ जाएंगे। जब वहाँ पे पानी था ना, वहाँ उस एंट्रेंस में आ जाएंगे, वहाँ पे हम घूम के जाएंगे। सो फिलहाल के लिए मुझे एक एक्सप्लोरर नोट मिला है। ओके आई थिंक वी गॉट ए अनदर वन एक्सप्लोरर नोट, क्योंकि यहीं पे एक और था। ओके वी गॉट अनदर वन। ओके मेगालोसॉरस का एक्सप्लोरर नोट, वन ऑफ माई फेवरेट डायनोस।
ये मेगालोसॉरस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको केव के अंदर ही मिलेगा। आप साउथर्न केव में ढूंढ सकते हो या सेंटर ऑफ द मैप है ना, वहाँ पे ढूंढ सकते हो। और इसका हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा रहता है मेगालोसॉरस का। और इसका ये डाइनो है ना, वो आसानी से पैरासोर और रैप्टर्स को आसानी से अपने मुंह में उठा सकता है, उतना ताकत है उसके पास। और उसका हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा रहता है। और यार के स्पॉट्स डस्ट तब खेलते हो ना, तब आपको पता होगा मेगालोसॉरस का कितना ये है, डिमांड है गेम के अंदर, क्योंकि बहुत लोग उसका यूज़ करते हैं मेगालोसॉरस का, क्योंकि एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। स्पॉट्स डस्ट में ज़्यादा दिन नहीं रहता है, नाइट ही रहता है, इसलिए वो मेगालोसॉरस जो रहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रात में ही जागता है, डे में वो सो जाता है, इसलिए उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है वहाँ पे। और उसका ऑलराउंड स्टैट्स भी एकदम बढ़िया है। ओके, वी गॉट अनदर एक्सप्लोरर नोट। सो ऑलरेडी हमें 3 एक्सप्लोरर नोट मिल चुका है। आई थिंक हमारा लेवल भी 3 to 4 इंक्रीज हो चुका होगा। ऑफलाइन में मैं फिर से एक और बार इस केव के अंदर आऊँगा और लेट्स सी और कितना एक्सप्लोरर नोट मिलता है हमें। इस तरह आप आसानी से केव एक्सप्लोरेशन करके आपका डाइनोस का लेवल भी बढ़ा सकते हो और आपका लेवल भी आसानी से बढ़ा सकते हो। आप अराउंड 40 to 50 लेवल का हो तो आपका लेवल अराउंड 10 तक बढ़ जाएगा, 10 लेवल बढ़ जाएगा आपका। मैं तो फ़िलहाल के लिए 70+ हूँ, इसलिए मेरा 3 से 4 लेवल बढ़ सकता है आई थिंक। सो लेट्स मूव आउट ऑफ दिस केव। पूरा स्क्रीन लाल लाल हो चुका है भाई, इतना हेल्थ जा चुका है हमारा, अराउंड 30% हेल्थ बचा है आई थिंक मेरा। सो लेट्स सी, उतरने के बाद ही हमें पता चलेगा कितना हेल्थ बचा है हमारा। ओके, रिटर्न टू द सेफ, हम पहुंच चुके हैं ना ऑलरेडी रिटर्न टू द सेफ। ओके, हमें बाहर जाना पड़ेगा आई थिंक। ओके, 15 to 20% हेल्थ ही बचा है हमारा, सो कोई बात नहीं, चलो इसका फूड ले लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं हमारा स्पाइडर के अंदर, क्योंकि उसके पास भी फूड नहीं था। सो ईट स्पाइडर बेबी। ओके, कहाँ रहा है। सो चलो मीट भी रख देते हैं। और आपको स्पाइडर को कैसे टेम करना है पता नहीं होता, आपको मैंडेटरी खिलाना पड़ता है पास जाके, उसके लिए आप सूदिंग बॉम्ब बोल रहा हूँ मे बी, उसको क्या कहते हैं, वो कीड़े पास नहीं आते हैं ना उसको, अरे यार या नाम याद नहीं आ रहा, जैसे ही मुझे नाम याद आता है उसके बाद बताऊँगा। वो मोटर पिस्टल में बनता है, उसको बना के आप पास जाके खिला सकते हो स्पाइडर को टेम करना चाहते हो। और चलो हमारा परस्यूट्स भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा एक्स्ट्रा लेवलअप भी हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि हमें एक्सप्लोरर नोट भी मिला है और एक्सप्लोरर नोट बूस्ट भी है। और उसके साथ ही हमारा परस्यूट्स भी कंप्लीट हो चुका है, हम आर्टिफैक्ट लेके बाहर आ चुके हैं, इसलिए आई थिंक 3 to 4 लेवल अप हो जाएगा आई थिंक मेरा। अराउंड 1 to 60 आप आसानी से ये कर सकते हो आपका लेवल अप। 60 के बाद है ना, वही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब आपको बड़े बड़े डायनासोर्स को मारना पड़ेगा, गीगा टाइटन उस तरह का डायनासोर्स को मारना पड़ेगा, केव एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, डंजन्स के अंदर जाके आना पड़ेगा। इस तरह आप किए तो आपका लेवल अप आसानी से बढ़ जाएगा। या आप एक्सपीरियंस बूस्ट भी यूज़ कर सकते हो, फ़िलहाल के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ नहीं। सो चलो इसको ट्रिब्यूट करते हैं। अरे इन्वेंटरी खोलना नहीं था, ओके बाद में सेव हो जा। सो इसको ड्रॉप करते हैं, चलो उतरते हैं। ओके, हमारा लेवल अप भी हो चुका है, लेट्स सी कितना लेवल अप हो चुका है हमारा। ओके, 4 लेवल अप्स फ़िलहाल के लिए, 2 हेल्थ पे और 2 वेट पे, सो दैट्स गुड। ओके, वी आर एट लेवल 77 बॉयज। और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था कि मुझे रेक्स का सैडल कैसे मिला। हाँ, मुझे गिफ्ट में मिला था रेक्स का सैडल, जब मैं 65 या 66 लेवल था तभी मुझे मिला था, इसलिए मैं उस एपिसोड में मैं रेक्स टेम किया था।
जैसे हम स्नो बैम के पास आए थे ना तब। ओके लेट्स सी व्हाट वी गेट। ओके स्कूबा सूट्स एंड वन असेंडेंट बो। ओके कितना, ओके एक ये मिल चुका है हमें पिस्टल, ये फैब्रिकेटर में बनता है। ये रहा हमारा कंपाउंड बो असेंडेंट वाला, 447 डैमेज देता है। इसके अंदर दूसरे टाइप का एरोस लगता है, नॉर्मल स्टोन एरोस नहीं लगते, लगा सकते हैं पर उसका डैमेज कम हो जाता है। सो चलो बॉयस लेट्स गो। सो आई थिंक यहीं पे मैं एंड करना चाहता हूँ। मैं ऑफलाइन में 3-4 बार तो जाके आने वाला हूँ केव के अंदर, जैसे ही मेरा हेल्थ रिकवर हो जाता है मैं केव के अंदर जाऊँगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना। जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा काम है, मुझे 3-4 बार केव एडवेंचर भी करना है, मतलब केव एक्सप्लोरेशन। और मुझे एक स्नो बायोम में एक अच्छा जगह ढूंढ के एक बेस बनाना है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बेस दिखाऊंगा आपको, किस तरह दिखने वाला है हमारा बेस, और मैं क्या क्या जानवर पकड़ूंगा वो भी बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ नए डायनासोर और कुछ नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, गुड बाय।